PKN News, सच दिखता है पाठक की नजर। अपराध कर्मी कुछ हथियार लेकर के गए थे उनके फार्म हाउस में, अभी तक जो बात पता चल रही है, और वहां पर उनको रजिस्टर किया गया, क्या अभी अनुसंधान में आगे निकल के आएगा हम आपको बताएंगे। और उसी के रिएक्शन में उनको भगाने के उद्देश्य से या उनको मारने के उद्देश्य से उनको पीटा गया और उसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तीन लोग घायल। तो ये घटना आत्मरक्षा में नहीं कही जा सकती है, क्योंकि ये तो जानबूझ के पीटा गया, एक आदमी मारा गया, तो उसके बाद उन्होंने मर्डर का कांड दर्ज किया। दो तीन दिनों के बाद जो रिएक्शन में हुआ, ये भी आपराधिक और एक तरह से कहना चाहिए साजिश के तहत किया गया कि तीन दिन बाद फिर मतलब बस क्या जो है आगजनी और तोड़फोड़ और बाकी कार्रवाई की। इस प्रकार से दोनों मामलों में पुलिस ने गंभीर एक्शन लिया है, तीन तीन लोग गिरफ्तार हो गए, स्थिति शांतिपूर्ण है। और सोशल मीडिया पर अब जो भी इस तरह की अनावश्यक या उद्वेलित करने वाली टिप्पणी या सामाजिक रूप से किसी को एक पक्ष से दूसरे पक्ष के विरुद्ध में जो भी टिप्पणी की जाएगी, आप चैनल के माध्यम से, मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी भी इस प्रकार की घटना हो तो जो फैक्ट हैं, हम लोगों ने फैक्ट सामने रख दिए हैं, सारी बातें सामने रख दी हैं, तो मामले में अगर कोई फर्दर इस तरह की पोस्ट करेगा जिससे समाज में तनाव पैदा हो रहा है, या एक जाति से दूसरे जाति के विरुद्ध, या एक धर्म से दूसरे धर्म के विरुद्ध, या एक वर्ग से दूसरे वर्ग के विरुद्ध इस तरह की कोई भी टिप्पणी होगी, तो पुलिस कार्रवाई करेगी। अभी हमने इसमें कांड दर्ज किया है और उन सभी सोशल मीडिया और जो भी पोस्ट हुई हैं उसके बारे में अभी तहकीकात की जा रही है। जरूरत होगी तो इस कांड में आगे हम लोग गिरफ्तारी भी करेंगे सर।